यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, कैमरा पर्सन जावेद का पहला दिन है। मैंने अपनी बात में कहा है कि मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को और कश्मीर के सभी लोगों को मुसलमान भाइयों को रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। और आज के दिन हमको ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। ये प्रोटेस्ट हमने जो कश्मीर में, हमने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट, हमने कहा कि सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को यहाँ सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी दे ताकि यहाँ एक माहौल बने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ करें। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ खूब कर रहा है, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा और अभी साउथ में आपने देखा होगा हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाई है। मैं भी साउथ में खुद 4-5 दिन रहा हूं इन चुनावों में। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को भारतीय जनता पार्टी के विशेष तौर पर उनको सिक्योरिटी दे सरकार। ये प्रोटेस्ट आज हमने उसी लिए किया है कि हम उसको सिक्योरिटी दे। दूसरा ये भी है कि गुलाटर मीर जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता था, जिसने अटल जी के नाम से अपने नाम को अटल जोड़ा था और हम उसको गुल अटल ही कहते थे, उसके भी जो शहादत हुई है हम उसको भी कंडम करते हैं। उसके लिए भी हमने आज ये प्रोटेस्ट। कोल साहब ये बताइए कि जो डिकैरेक्टराइज कर रहा था वो सरकार ने यहाँ से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार ने ये गलत है केंद्र सरकार ऐसा नहीं है भैया। केंद्र सरकार का डोमेन नहीं है, केंद्र सरकार का डोमेन नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार का डोमेन। कोल साहब यहाँ शाह फैसल तक को सिक्योरिटी वापस ली गई थी, तब आपने ऐसी बात नहीं की थी तो ऐसा नहीं है भैया। हमारी हम तो अपने कार्यकर्ताओं का विचार करेंगे ना, लेकिन जब हमने आज किया है तो हमने ये कहा कि सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को, हमने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्टों को, हमने कहा सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सरकार, चाहे बाहर बाकी पार्टियों से भी हो, कोई भी छोटी मोटी बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, सब पार्टी के एक्टिविस्टों को और कैटेगराइजेशन करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। कैटेगराइजेशन करना ये हमारे जम्मू कश्मीर के सरकार का काम है, जम्मू कश्मीर के। सर होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि हम कैटेगराइज करेंगे। कौन साहब, मैंने इसलिए सिक्योरिटी छोड़ी कि मैं सिक्योरिटी रखकर मेरे कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता यहाँ मर रहे हैं। ये तीसरा इंसिडेंट है हमारा, गौहर शुपियन का था जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसको मारा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शबीर अहमद पुलवामा का था, उसको ईद के पहले दिन मारा गया। आज ये गुलाटर मीर माही रमजान के एक दिन पहले, 2 दिन पहले मारा गया है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पास सिक्योरिटी रखने का कोई हक नहीं है।